यहाँ पे ना सुबह सुबह लगे हैं मेरे मम्मी पापा गोबर भरने पे, और इन गोबरों के साथ साथ काजू किशमिश भी खाने पे लगे हैं। मेरी मम्मी का ना रोजगार गारंटी का कंटर, और अब इस पे पत्थर ले जाएगी मेरी मम्मी, कल ही बना रखा मेरी मम्मी। अब ना बारी आ गई है उन चीजों की जो चीज मैंने YouTube के लिए यूज की है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। और ना एक खास चीज अब मिली मुझे, और खास चीज ये है, ये दुपट्टा ना मेरे स्वामी जी ने मुझे गिफ्ट किया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम है सोनी नेगी, और आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से। यहाँ पे ना सुबह सुबह लगे हैं मेरे मम्मी पापा गोबर भरने पे, और इन गोबरों के साथ साथ काजू किशमिश भी खाने पे लगे हैं। बाजार से लेने नहीं पड़े। हाँ, ये देखो इतने सारे कट्टे भर दिए इन्होंने। कितने भर रखे? 2, 4, 6, 8, 1, 9, 10 कट्टे। 10 कट्टे गोबर के। मेरी मम्मी का ना रोजगार गारंटी का कंटर, और अब इस पे पत्थर ले जाएगी मेरी मम्मी, कल ही बना रखा मेरी मम्मी ने ये न्यू कंटर। और कुछ कुछ गोबर ना मेरे भाभी ने नीचे वाले खेत में भी डाल दिया, वो उधर पे आपको दिखाती हूँ मैं। ये यहाँ पे डाल रखा भाभी ने। और इस बार ना हमारे प्याज के पौधे थोड़ा थोड़ा हो रखे, ज़्यादा भी नहीं हो रखे, पता नहीं क्यों क्या हो गया इनको, उकसू लग गया शायद इन पे। मम्मी भी चली गई अपने कंटा ले जाके काम पे। ये आपको बोला था कि मेरे पास मायके में पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं है, मैं कपड़े ला के नहीं आ रखी, और जो कपड़े थे वो टाइट होने लग गए मेरे पे, और मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे और वो कपड़े भी मेरे पास पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको ना उन कपड़ों की अनबॉक्सिंग करके बताती हूँ, बट मैंने कपड़ों की ना अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी, और वो कपड़े मैंने पहन भी लिए। तो कोई नहीं, फिर भी आप लोगों को बताती हूँ मैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है, और जो जो सामान ना मैं YouTube के लिए पहले से यूज करते आ रही वो भी दिखाऊंगी। वीडियो को ना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, जो काम कर रहे उसी को करते हैं पहले। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको अपनी नाइट ड्रेस बताती हूँ। तो मेरी नाइट ड्रेस ये रही, जो कि मैं डे के टाइम भी पहनती हूँ। काफ़ी गर्म कपड़ा है ये, मतलब एकदम मुलायम सा, अच्छी फीलिंग आती इसको पहन के, मतलब कंफर्टेबल फील होता। और ये ना मैंने परसों ही पहन ली थी, बट यहाँ से ना फट भी गई, वो कहाँ पे फटी होगी, ये देखो बंदर ने फाड़ी यहाँ से। तो कोई नहीं, इसको भी साइड में रख के। तो अब बारी है इसके साथ का सजाना, ये है सेम सेम मैचिंग, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती इसमें, साइड में रख। और ना एक ये मंगा रखा मैंने नाइट सूट मिसो से ऑनलाइन, तो जब मतलब काफ़ी लूज भी हो रहा मेरे पे। जिस दिन मैंने इसको मंगाया था तो मैंने फोटो में देखा था डार्क कलर था इसका, और यहाँ आके देखा लाइट सा कलर हो रखा, बट कोई नहीं, पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा। और इसका सलवार तो मैंने पहन रखा है, थोड़ी देर पहले ना मैंने यही कपड़े पहने थे, तो इसको भी रखती हूँ साइड में। पर मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, बट जब पैसे खर्च किए हैं तो पहनना भी बनता है। और आपको ना मैं इसकी फ़ोटो भी दिखा दूँगी स्क्रीन पे। तो एक ये कुर्ती मंगा रखी मैंने मीशो से, बट इसका कपड़ा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कुर्ती भी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मस्त लगी। इसका सलवार भी दिखाती हूँ मैं, बट मैंने ना मंगाना नहीं था ये, इसके साथ दुपट्टा था बहुत ही प्यारा, बट दुपट्टा आता ही नहीं शायद से ऑनलाइन कपड़ों में। आप बताना मुझे क्या ऑनलाइन कपड़ों में दुपट्टा आता है या नहीं आता। इसकी बहुत ही प्यारा दुपट्टा था, इस कुर्ती के ना दुपट्टा बहुत ही प्यारा था, तो मैंने इसलिए लिया था। ये सारे कपड़े ना उल्टे करके रखती मैं, तो ये है एक कुर्ती, और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती मुझे, देख सकते हैं आप। अभी मैंने इनकी ना फिटिंग नहीं करा रखी, अब फिटिंग कराना भी नहीं चाहती मैं, और फिटिंग इसलिए नहीं करा रही मैं क्योंकि ना मेरे पे कपड़े क्या बोल रही टाइट हो रहे, तो मैं फिटिंग कराना भी नहीं चाहती। और इसके साथ का सलवार ये है, सलवार भी बहुत ही प्यारा है, अच्छा लगा मुझे बस।
एक कुर्ती है जो मैंने पहन रखी, आपको बताती हूँ मैं। ये भी मैंने फिट नहीं कर रखी फिटिंग, ये है ये कुर्ती, और इसके साथ है ना सलवार, ये सलवार भी काफी प्यारा है, मुझे अच्छा लगा तो इसको भी साइड में करती। एक खास चीज अब मिली मुझे, और खास चीज ये है ये दुपट्टा। ये दुपट्टा ना मेरे स्वामी जी ने मुझे गिफ्ट किया था, दुपट्टा नहीं सूट भी की थी, सूट भी मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी कौन से सूट स्वामी जी ने मुझे गिफ्ट की, और जिसका दुपट्टा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। टाइम ना मुझे ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगा, बट अब नहीं लग रहा पता नहीं क्यों, तो उस टाइम काफ़ी बेटर लगा मुझे ये, तो मैं ला गई इस वाली सूट को। पर सूट ना बिल्कुल अच्छी भी नहीं है इसकी, जिस हिसाब से मतलब श्रीनगर से लाई थी मैं, जिस हिसाब से सूट के क्या बोलते रेंज है ना उस हिसाब से सूट है नहीं। 1500 का था ये, बट सूट इतनी घटिया है इसकी, आपको स्क्रीन पे दिखा के पता चल जाएगा कि कितनी बारी है इन दो जैकेटों की। जैकेट तो नहीं है, बस एक ही है और एक स्वेटर है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला जैकेट कैसे लग, जल्दी से ना कमेंट करके बताओ कि ये जैकेट कैसा लग रहा मेरे पे। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, ये मार्केट से लिया मैंने टीवी के, बट जिस हिसाब से रेंज है उस हिसाब से है नहीं, तो इसके ना ये बाल वगैरह झड़े ऐसे सारे कपड़ों पे लग जा रहे, और सारे कपड़े गंदे हो रहे पता नहीं क्यों। तो एक ये स्वेटर है, ये मैंने ना गजा से लिया है, ये भी मुझे प्यारी लगी, पहनी भी है मैंने बहुत बार ये स्वेटर, बट कब लाई मैं, व्रत के टाइम पे लाई थी शायद से ये स्वेटर और ये कुर्ती गजा मार्केट से। इनको भी रखते हैं साइड में। अब बारी है उन चीज़ों की जो मैंने अपने यूट्यूब के लिए यूज किया। तो सबसे पहले आते हैं फ़ोन पे, तो ये फ़ोन था मेरे पास पहले इन्फिनिक्स का, इससे पहले ओप्पो था, ओप्पो ख़राब हो गया फिर मैं ये लाई, तो ये था वो फ़ोन। तो जो मेरे ना पहले ओप्पो वाला फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, और उसके पीछे का ये भी हटा दिया था मैंने ये चिप टाइप का, बट इसी पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जो कि मैंने इस फ़ोन का अभी तक संभाल के रखा है। बट ये फ़ोन ना अभी तक मेरे साथ मतलब मेरे पास ठीक ठाक ही है, टूट तो बहुत रखा है, पर अभी भी हम इस फ़ोन का यूज करते, और ये फ़ोन है मेरे स्वामी जी के पास। तो दूसरी बारी आते हैं इस ट्राईपॉड की, जो कि मैंने थोड़ा भी नहीं चलाया, पता नहीं मेरे हाथ ऐसे क्यों हैं, टूट जाते सारी चीज़ें। तीसरा ट्राईपॉड है जो मैंने अभी यूज कर रखा, ये देखो इधर से भी तोड़ती मैं हमेशा इसको, बट ये भी ठीक था, पर पकड़ने के लिए बहुत भारी हो रहा था। तो ये वो सेल्फी स्टैंड से ही है, और ये तो मेरे फोन का कवर है। खैर तो फिलहाल यही चीजें हैं दिखाने के लिए। एक माइक भी था, वो माइक पता नहीं कहाँ खो गया, जब मैं पिछली बार आई थी ना ससुराल से माइक के, उस टाइम यही था वो माइक, बट उसके बाद पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गया और कहाँ खोया। कल वाली वीडियो में ना मैं आपको ये बताने वाली हूँ मेरे शुरू से अभी तक यूट्यूब का सफ़र कैसा रहा, और क्या क्या मतलब परेशानियाँ झेली मैंने, ये सब बताने वाली हूँ आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो ना छोटी सी बन रखी है, और टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।